एक काम बात करें तो आईटीबीपी की टीम है। अभिनंदन जी, क्या ये पर्चा करिए? अरे लगा दो यार, और टकिया लगा दो। आईटीबीपी वर्सेस इधर से इधर। देखिए आयोजन सचिव महोदय, टीमों से परिचय के लिए गए हुए हैं, कृपया तालियों से स्वागत करिए उनका। यह ताली बजा दो भाई। ये देखिए इस कार्यक्रम के आयोजन का भाई दूसरा मुकाबला स्टार्ट होने जा रहा है। इस नए खिलाड़ियों के नशे का नाम रखते हुए देखा की टीम से आईटीबीपी की टीम से यहाँ बच्चे चलता हुआ। मैं बता रहा था कि उत्तर के दिशा में बात करती थी और दक्षिण के दिशा में आईटीबीपी की टीम आईटीबीपी और सुंदर नए नए करते हैं। सुंदर नए देखने को मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शक साथियों जी, ये देखिए यहाँ बच्चे का काम समाप्त होता हुआ और भाई ग्रुप फोटो सेशन बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। देवरिया का टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला आईटीबीपी वर्सेस नैन एकेडमी बागपत। मुकाबला स्टार्ट होता दोस्तों, पहली रेड राजन नैन एकेडमी की तरफ से। देवरिया कप टूर्नामेंट का बेहतरीन मुकाबला इस समय आपके सामने, यथार्थ पर शायद हैंड टच करने का प्रयास राजन का। पहली रेड एम्प्टी रेड विजय तेवतिया, सॉरी भाई विजय मलिक है। बोनस का प्रयास जरूर किया है राहुल, नौ नंबर जर्सी में। पहले भाई दावा जरूर किया है, रेड राउट है, खाता खुलता हुआ। यहाँ देखिए एक्स्ट्रा के रूप में बहुत सुंदर अच्छा प्रयास रौनक पानी यार, मंच में पानी भिजवा यार। मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, आप एशियन लोग बैठे हैं, दूर से आए हैं। आईटीबीपी वर्सेस जो आने वाले इंडिया जा, यहाँ पानी की जरूरत है। और ये देखिए आप नौ नंबर जर्सी में बेहतरीन लंबी रीच खोलता है, थर्ड रेड डू डाई रेड और यहाँ एक बार फिर लंबे गिरे खिलाड़ी यहाँ डू अटाई का संकेत किया हमारे ऑफिशियल। और मैं बता रहा था कि छह का डिफेंस बोनस ऑन, हालांकि भाई आपको सेव होने के लिए जबरदस्त इस मैच का सीधा लाइन पूरा करता रहा मऊ कबड्डी ऑफिशियल यूट्यूब जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब पेज को। और फेसबुक को देखना चाहते हैं तो आप राजी आ जाओ। ये जाके आप देख सकते हैं पांच नंबर आईटीबीपी की तरफ से अच्छे खिलाड़ी करियर का एडवांटेज से बॉलर और पांच का डिफेंस से आप बोनस आप देखिए क्या होता है। पांच का डिफेंस है, पांच नंबर जस्टी में राजन यथार्थ देश गलती नहीं थर्ड राइट टू राइट ये देखिए नौ नंबर की खिलाड़ी हमारे जिम्मेदारी आज संभाले हुए। अरे बहुत सुंदर भाई डू अटाई है, रिस्क लेना है। क्या कहते हैं डू अटाई की इस रेट में आग लेके जाते हैं। देखिए आओ डू अटाई रेट थी भाई, वो आउट दिया गया है क्योंकि जो दावा किया था उसे खारिज कर दिया है
और पॉइंट मिलेगा एक और एक्स्ट्रा के रूप में आईटीबीपी और नए नए टीवीसीएमएस यहाँ चलता हुआ देख गया चार बार डिफेंस और रेड जा रही है खिलाड़ी के द्वारा भाई जो पहला मुकाबला देखने को मिला था जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला था मेरठ वर्सेस यूपी टीम के तीन खिलाड़ी खिलाड़ी के द्वारा छह का डिफेंस से बोनस अरे लाल बाग भाई तीन पॉइंट अभी तक मिल चुके हैं तीन पॉइंट मिले हैं यहाँ देखिए ओ सुंदर रेड राउट एक और दो और बात है ये पास ना मेरे खिलाड़ी आईटीबीपी की तरफ से डिफेंस देवरिया कबड्डी टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला है और दो सुपर टैकल कर चुकी है भाई नए नए कर्मी बागपत की टीम यहाँ चलता हुआ रामपुर के स्टेडियम पहले दिन का दूसरा मैच यहाँ और कामयाब रेडर नौ नंबर रेड की जिम्मेदारी बराबर है दो अढ़ाई रेड पांच के डिफेंस में पांच नंबर जर्सी में भाई पांच का संकेत बिल्कुल साफ है हर तरफ पांच का आंकड़ा बैठ रहा है पांच डिफेंडर कोर्ट में पांच पांच स्कोर बराबर और यथार्थ भी पांच नंबर जर्सी में पहले दिन का दूसरा मुकाबला देवरिया कबड्डी टूर्नामेंट और भाई कमाल का टैकल देखने को मिला है स्कोर पहली बार लीड में आ गई इस मुकाबले में नैन अकेडमी और ये देखिए काफी से रन वाले खिलाड़ी आए हैं और डिफेंस यहां बनाई हुई हां आईडीबीपी की बहुत सुंदर चार के यहां डिफेंस लेकिन एक और एम्प्टी रेड मतलब अगली डुअल टाई रेड आई एक बार पुनः नैन अकेडमी की तरफ से तीन नंबर एक खिलाड़ी यहां आईडीबीपी की तरफ से रेड के एडवांटेज संभाल लेंगे और यहाँ डिफेंस राहुल दो बार सेल्फ आउट हो चुका है इस मुकाबले का सुपर टैकल स्कोर बराबर यहाँ जबरदस्त रेड राजा ने एक बार
जरूर किया है धीरे धीरे मजबूत करती हुई आईटीबीपी की टीम लिख रही भाई एक टेक्निकल के रूप में मिला है आईटीबीपी को, क्योंकि एक खिलाड़ी जो एक्स्ट्रा के रूप में था वो भाई पहले भी एक टीम खेल चुका है। धीरे धीरे आईटीबीपी इस मुकाबले में भाई अपनी बढ़त को मजबूत करती हुई कमाल का मुकाबला दिखाया। हालांकि एक बार स्कोर 5-5 बराबर हो गया था और कमाल एक और हैंड टच चार के डिफेंस में, फिर पहले चार के डिफेंस में कामयाब हुए थे विजय उसी खिलाड़ी के द्वारा देना पिछले रेट क्या एक बार फिर कामयाबी मिलेगी अंग गिराने का काम किया था मैं समय बैठ पर घमासान मचाता हुआ विजय मलिक राहुल हालांकि वो गेम नहीं देखने को मिला है आज जिस गेम के लिए जाना जाता है खिलाड़ी सुपर टैकल ऑन तीर का डिफेंस इस बार विजय मलिक सुपर टैकल का मौका है सात नंबर जर्सी पे बात करते डिफेंसरों के पास देखा जाए क्या तीर का डिफेंस सुपर टैकल ऑन मध्यांतर के समय स्कोर 8-15 स्कोर है दो खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल 8-15 स्कोर मध्यांतर अरे गोपी बैठा देखने को मिला है जबरदस्त टकल मिलता हुआ अंतर धीरे धीरे बढ़ता हुआ जो मौका सुंदर पूरी तरह से मिलेगा लेकिन लोना फॉर्मेट में भाई जो लीड है और डिफेंस बनाए हुए कमाल की पट्टी बहुत सुंदर अच्छी कोशिश मुकाबला बेहतरीन गेम अभी तक देखने को तरफ से इस मैच का पूरा लाइव एक सब्स्टिट्यूट देखने को मिला है युवा खिलाड़ी को अंदर लेकर आया दो या तीन सुपर रेड यहाँ जाकर मेरे खिलाड़ी के द्वारा और अच्छी कोशिश है देखा जाएगा अरे बहुत सुंदर राजन भाई शुरू किया है कमाल का एक और बेहतरीन डैश एक बोनस मिला है वन वन ईच मिलेगा नए नए खिलाड़ी को लास्ट खिलाड़ी को ऑल आउट मिलता हुआ हाँ मिला है यहाँ
तीन पॉइंट आप कह सकते हैं ये मुकाबला पूरी तरह से काफी मजबूत है आईटीबीपी की टीम इस मैच से और देखिएगा बहुत सुंदर है और देवे कहां तक वापसी कर पाते हैं और टच ये देखिए एक है क्या लगा हुआ एक अभी दस नंबर की खिलाड़ी नेहरी के एडवांटेज से बॉलर नए ने जनी बात होती है बोल गेम एक बार फिर लेकिन यहाँ मिलेगा टैकल देखने को जबरदस्त टैकल बहुत अच्छी कोशिश देखा जाए क्या यथार्थ आई सामने से निकलकर कमाल का टैकल देखने को मिला। 2713 का स्कोर है, ये देखिए पूरी तरह से मुकाबला एक तरफा होता है। 2713 का स्कोर तो 14 के आईलैंड बना के खेल रही है आईटी। 2713 स्कोर 13 नए के लिए बात बात 27 आईटी तो काफी यहाँ मजबूत स्थिति में एक मजबूत यहाँ पकड़ बनाते हुए इस मैच में आईटी का प्रयास किया क्या मिलेगा पॉइंट लेकिन पहुंच देखा जाएगा अच्छी टाइमिंग और लगातार यहां गाते हुए आईटीबीपी के खाते में तो 5 रन डिफेंस इस समय नए ने कहीं बात आते बोर्ड में देखिए यहां से क्या होता कहा तक वापसी कर पाती है नए ने कहीं बात बात के टीम तो समय बताएगा लेकिन कहीं ना कहीं काफी मजबूत प्रकट करी जाएगी राहुल भाई लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहा हुआ लेकिन वो काम नहीं देखने को मिला है जिस काम के लिए खिलाड़ी जाना जाता है थर्ड राइट डू डाई राइट देखिए क्या होता है दस नंबर में यहाँ ये क्या नाटक सब बोला नाटक हमारे आदेश साथी का संकेत देखिए क्या होगा 5 का डिफेंस बोनस मिलेगा इसे हमारे लेटर को स्वीकार करना पड़ता है रिस्क लेना हुआ रिस्क जरूर लिया अंदर तक जाकर लेकिन कमाल का टैकल देखने को मिला अपना भी एक बार में नौ नंबर एक गाड़ी नेहा जिम्मेदारी संभाला रेड अरे बहुत सुंदर उसका प्रयास जरूर क्या था और बार ऐसा हुआ कि अगर ये बात होगी खूबसूरत समय से यहाँ बहुत सुंदर है मैं सीधे की 7 नंबर एक गाड़ी आईटीबीपी के तरफ से यहाँ रेड के एडवांटेज संभाले हुए हैं और यहाँ डिफेंस बनाए हुए नए नगर में वापस के लिए बहुत सुंदर इमेज चलता हुआ राहुल गरखाना के अब पूरी तरह से समय काटने का प्रयास है क्योंकि जानते हैं जो अंतर है जो भीड़ है वो बहुत बड़ी हो चुकी है और बिना बड़ा अंतर हो गया है आईटीबीपी के पक्ष में और यहां से अगर नए एकेडमी को वापसी करनी है तो वही जबरदस्त बोनस जरूर मिला बहुत सुंदर है मैच धीरे धीरे अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचता हुआ 7 नंबर खिलाड़ी आईटीबीपी की तरफ से यहां एक ऑफिस वापसी करती हुई टीम डू और डाई डू और डाई राइट
अगर यहाँ टैकल हुआ तो भाई मुसीबत बढ़ जाएगी। इसके बाद दो खिलाड़ी कोर्ट में, कहा टैकल ऑन राहुल एक बार फिर 28 और 20 का स्कोर और सर लेके क्या होता है और वन एक है वन डच पॉइंट 28 भाई 21 28 का स्कोर है 21 28 सात पॉइंट का अंतर है। लास्ट खिलाड़ी को आउट सिक्स ये देखिए अंदर लेकर आ रहा है आईडी वीडियो के दस यहां लेकिन जिस काम के लिए लाया गया था वो काम कर दिया है टीम के ऑल आउट को टाल दिया है। और 25-29 का स्कोर है 4 पॉइंट का अंतर रह गया आईडीबी 25-29 स्कोर 4 पॉइंट का अंतर बचा है। वापसी करती हुई क्या होता है 25 और 29 का स्कोर 4 रन के लिए नए स्मैश है आईडीबी के लिए। अंतिम 5 मिनट का अनाउंस हो चुका है हमारे अभिषेक साथियों ने बोनस का प्रयास काफी अच्छा यहाँ वापसी किया है इस समय राहुल भाई कमाल की वापसी कराई है इस खिलाड़ी ने चार रन के लिए। मैंने शुरू में बताया था वो काम नहीं कर पा रहा था शुरू में आपका खिलाड़ी लेकिन जैसे ही मुकाबला उसके बाद भाई जब काफी दूर थी लेकिन करीब लाके यहाँ खड़ा कर दिया है बागबंद के खिलाड़ियों ने अपने गेम को और धीरे धीरे मैच अपने निर्णायक मोड़े पहुंचता हुआ समाप्ति की तरफ पहुंचता हुआ अंतर धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है 5 पॉइंट का अंतर हो चुका है 25 से क्या होता है नौ नंबर की गाड़ी यहाँ रेड की जिम्मेदारी संभाले हुए और बहुत बोनस मिलता हुआ अंतर अभी भी 4 पॉइंट का है यहाँ 30 का स्कोर 4 रन के लिए अभी यहाँ 4 पॉइंट है आईडीबीपी के टीम का आईडीबीपी लास्ट ऑफ 2 मिनट क्या राहुल उस लीड को खत्म करेंगे मुकाबले को अपने पक्ष में करेंगे बहुत सुंदर लेकिन कमाल का अंतर घटता हुआ धीरे धीरे 3 पॉइंट की लीड बची है राहुल ने कमाल की वापसी कराई है टीम क्या इस मुकाबले को पक्ष में कर पाएंगे। लीड अभी भी 3 पॉइंट की है लेकिन अगली टाइम ऑफ लिया है मेरे की टाइम ऑफ था मैच शुरू होता हुआ 3 अंक के लिए देखिए क्या होगा ये कमाल का टैकल है ये कमाल का टैकल है समय पर सपोर्ट आया जबरदस्त टैकल 2.5 थर्ड एट 31 और 27 का स्कोर यहाँ 4 अंक के लिए बना के खेल रही है आईटीबीपी की टीम इस मैच में बिल्कुल 1 मिनट का अनाउंस हो चुका है सॉरी भाई 2 मिनट का अनाउंस हुआ था और राइट आउट मुकाबला समाप्त होता हूँ भाई आईटीबीपी इस मुकाबले में 3 पॉइंट से बाजी मारती हुई 28-31 3 पॉइंट से बाजी मारती हुई आईटीबीपी की टीम। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धन्यवाद दोस्तों।